जैकिसन जी आपका बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और जैकिसन जी जो है वो DSSSB में जो है PRT टीचर है और वहां भी कार्यरत है। तो आज जो है इनसे हम सब कुछ जानेंगे कि DSSSB की तैयारी हम कैसे करें। लेकिन जैकिसन जी, इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो आपका जो स्ट्रगल का जो दौड़ रहा जहां तक आप पहुंचे है ना, तो एक बार जरा सा स्ट्रगल के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं ताकि उनको ये लगे कि स्ट्रगल की कोई सीमा नहीं होती। जी सर, जी बताएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ सभी छात्रों को कि मैंने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है। मैं पढ़ने में इतना इंटेलिजेंट नहीं था। अच्छा अच्छा। जितना लोग किसी की 80% है, दसवीं में किसी की 90% है, इतना मैं इंटेलिजेंट नहीं था। अच्छा। मेरे को शुरू में ऐसा कुछ ज्ञान नहीं था कि भाई आगे जाके शिक्षा से हमको क्या हासिल प्राप्त होगा। जी जी। लेकिन जैसे जैसे हमने 10वीं पास की, 12वीं पास की, थोड़ा हम भी कंपटीशन क्षेत्र में आए जी। तो हमको पता लगा कि यार हमें भी कुछ करना चाहिए, करना चाहिए। और हमें थोड़ा जुनून बढ़ने लगा। जी जी। फिर हमने BSTC कर ली। अच्छा। BSTC करने के बाद हमको लगा कि यार अब तो हम शिक्षा के क्षेत्र में आ गए, तो हमको शिक्षा के क्षेत्र में ही जाना चाहिए। जी जी जी। मैंने काफी बार राजस्थान पुलिस का पेपर दिया। अच्छा। उसमें मैं क्वालिफाई हुआ। अच्छा। लेकिन मेरा मन, क्योंकि मेरे फादर टीचर थे। ओ, क्या बात है, क्या बात। तो मेरा मन सिर्फ एजुकेशन क्षेत्र में जाने का था। क्या बात है, क्या बात। तो मैंने जैसे ही खूब प्रयास किया, घर वाले कहते थे कि भाई आपको तो नौकरी पकड़नी है, ठीक है जी। लेकिन मेरा मन राजस्थान पुलिस में जाने का नहीं था, टीचर बनना था। सिर्फ टीचर बनना था मेरे जी, को। जी। और मैं एक बार चेन्नई रेलवे बोर्ड का पेपर देके आया था, स्टेशन मास्टर का जी। तो वहां पे मैं क्वालिफाई हो गया था। अच्छा। लेकिन मैं मेंस देने नहीं गया वहां। अच्छा, क्यों? मेरे को तो सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि टीचर बनना है। टीचर बनना है अपन को एजुकेशन क्षेत्र में। मैंने 2011 में पेपर दिया राजस्थान, पहले टेट हुआ करता था। जी जी जी। टेट पास किया, उसके बाद 2011 में बाड़मेर से पेपर दिया। जी। मेरे को आशा थी कि मैं पास हो जाऊंगा। जी। लेकिन मैं एक नंबर से रह गया। ओह माय गॉड, क्या। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने सोचा कि यार अपने लिए तो ये वैकेंसी नहीं है, और अच्छी वैकेंसी अपने लिए। ये बात बहुत। लेकिन फिर 2013 में भर्ती आई। जी। 2013 में फिर पेपर दिया मैंने जी, गंगानगर से। वहां मैं 0.1 से रह गया। ओह माय गॉड, देखिए क्या। फर्स्ट वेटिंग मेरी थी जी, ऑल लिस्टिंग में वेटिंग के लिए हुई, लेकिन मेरी वेटिंग क्लियर नहीं हुई। फिर भी मैंने सोचा कुछ नहीं यार जी, अपन को फिर संघर्ष करना चाहिए। जी। और मैं मोरी कोचिंग में आया। क्या बात है, क्या। मोरी कोचिंग में निशान सर से बात हुई मेरी। सबसे पहले मैंने सर से कहा कि सर मैं BSSB की कोचिंग लेना चाहता हूँ, जिससे मेरे को मार्गदर्शन मिले। जी जी। सर ने कहा कि हम आपके लिए प्रयास करेंगे, और आप अकेले बच्चे हो जी, आप और बच्चों को जोड़ो जी, जी। हम आप कहें भी उसके अनुसार चलेंगे। हमारी कोचिंग सर बिल्कुल नई थी। हाँ, उस टाइम नई कोचिंग थी जी। तो जैसे ही मैं आपसे बार बार मिलता रहा हूँ निशान सर से जी, फिर सर ने कहा कि एक बार हम आपको आप हमें सिलेबस दिखाइए जी, जी। हाँ। क्या सिलेबस आता है जी, बिल्कुल। तो मैं सर के पास सिलेबस लेके आया, पुराना मॉडल पेपर भी लेके आया था जी। उसके अकॉर्डिंग फिर सर ने कहा कि हम आपको DSSSB का बैच स्टार्ट करेंगे जी। और सर ने खूब गाइड किया था, कई जगह एडमिट दिए थे भाई हम DSSSB का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा बैच बन गया था 25 लड़कों का जी। फिर हमने कोचिंग स्टार्ट की जी। मोरी कोचिंग में मतलब जो टीचर थे वो हमसे भी सलाह लेते थे जी जी जी, और टीचर हमको भी सलाह देते थे जी, बिल्कुल भी स्टार्ट था वो। हाँ। तो मोरी कोचिंग में ऐसा नहीं लगता था कि हम कहीं बाहर हैं या कि नई कोचिंग में आए हैं, या वो एक हमारा परिवार सा लगता था उसमें, आदमी परिवार। हाँ। और मैं उस कोचिंग को आदमी परिवार से जुड़ा हुआ जी, बिल्कुल। तो ऐसा कभी नहीं लगा कि भाई हम कहीं बाहर दूसरी जगह कोचिंग कर रहे हैं, ऐसा लगता हमारे घर में ही है। और जो भी टीचर से बात, हमारे मन में जो भी कुछ बातें थी हम सामने बात करते थे जी, जी, जी। तो टीचर्स को जैसे हमको लगता है कि ये टीचर हमको नहीं समझा पा रहा, तो हम सर को निशान सर को जाके बता देते सर हमको ये टीचर नहीं समझा पा रहा जी, जी, जी। तो सर मैं एक्शन लेता था। हाँ, तो एक्शन लेता था। और हमसे टीचर की परफॉर्मेंस बढ़वाई जाती थी जी, बिल्कुल। फीडबैक फीडबैक दिया जाता था कि भाई हर टीचर का मैथ में साइंस में
इस टीचर का कैसा फीडबैक रहा? फीडबैक आज भी चलता है, वो आज भी हमारे यहाँ चल रहा है। तो वो बहुत अच्छा लगा मेरे को, मैं टीचर की फीडबैक बनवाई जा रही है। वो एक गुप्त रूप से होती थी, नाम नहीं मिलता, नाम नहीं होता था उसमें, स्टूडेंट का नाम नहीं, बस टीचर्स के बारे में, टीचर्स के बारे में। और जैसे बच्चे कहते थे वैसे कोचिंग चलती थी, बच्चों के अकॉर्डिंग कोचिंग चलती थी। कोचिंग तो बहुत होती है, सुविधा का ख्याल, हाँ, लेकिन वो टीचर के अकॉर्डिंग चलती थी, लेकिन ये कोचिंग बच्चों के अकॉर्डिंग चलती थी। क्योंकि इसमें बच्चों का बहुत ख्याल रखा जाता है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है जयकिशन जी की, आपको सारी बातें आज भी जहन में याद है, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो जयकिशन जी बातों को आगे बढ़ाते हैं, बातों का सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं जी सर। और जिस वजह से हमारे ये जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, तो इनका जो मकसद है वो ये जानना चाहते हैं आपसे कि आखिर DSSSB की हम तैयारी कैसे करें, है ना। तो एक बार बढ़ने से पहले मुझे एक बार पेपर के बारे में जरा एक बच्चों को बता दीजिए कि कैसे कैसे क्या होता है, क्या सब्जेक्ट होते हैं, क्या मार्क्स होते हैं उसमें। देखो पेपर के बारे में ये है कि पेपर दो पार्ट में बटा हुआ होता है जी। सबसे पहले जी ए और बी दो पार्ट होते हैं उसमें जी। तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट पार्ट में आते हैं अपने 5 सब्जेक्ट जी। अंग्रेजी है जी, इंग्लिश, इंग्लिश जी, 20 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के जी, और 20 क्वेश्चन आते हैं जीके के जी के, 40 नंबर हो गए जी, और 20 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, रीजनिंग के 60 हो गए, 60 हो गए जी, और 20 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, हिंदी के दो लैंग्वेज मतलब 80 हो गए जी, और 20 क्वेश्चन आते हैं अपने मैथ के, मैथ्स के 100 मार्क्स पे हो गए, 100 मार्क पे हो गए जी, और 100 क्वेश्चन आते हैं साइकोलॉजी, साइकोलॉजी बी पार्ट जी। तो हमको क्या है, वहाँ पे रूल्स है दिल्ली में DSSSB में, 40% तो फर्स्ट पार्ट में क्वालिफाई जरूरी है, और 40% बी पार्ट में क्वालिफाई जरूरी है। इस पे आप लोग ध्यान सुनिएगा, आपको 40% चाहिए दोनों में क्वालिफाइंग मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स जी। अगर बच्चा क्वालिफाई एक पार्ट में है तो वो फेल ही माना जाएगा, फेलियर होगा, दोनों पार्ट में आपको क्वालिफाई करना जरूरी है जी, बिल्कुल। इसलिए हमें क्या है, दोनों पार्ट क्वालिफाई करने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं, चाहे आपके 100 नंबर आ रहे हैं, लेकिन अगर आपका एक भी पार्ट क्वालिफाई नहीं है तो आप फेल ही माना जाएगा, डिस्क्वालीफाई है। हां जी, तो इसलिए हमें दोनों पार्टों पे ध्यान रखके, और सबसे बड़ी बात है उसमें टाइम की, बिल्कुल टाइमिंग की बहुत बड़ी बात है उसमें, क्योंकि उसमें क्या है कि 200 क्वेश्चन होते हैं और 120 मिनट होती है हमारे पास जी जी, बिल्कुल 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करने होते हैं हमको। इसलिए हमें क्या करना होता है कि हमको जो क्वेश्चन आते हैं सिर्फ उन पे ही ध्यान दिया जाना चाहिए, जो क्वेश्चन टाइम ले रहा है नहीं आता है तो उसमें छोड़ देना चाहिए हमको, बिल्कुल सही, सबसे बड़ी बात यह है टाइम कंज्यूमिंग नहीं। हां जी, DSSSB ये देखती है कि बच्चा इतने टाइम में कितनी जल्दी कर पा रहा है, नहीं अपना दिमाग यूज ले पा रहा है, नहीं ले पा रहा है, उसकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है। हां तो उसमें DSSSB ये देखी जा रही है जी जी, तो ये देखती है बच्चे का माइंड इस टाइम में कितनी जल्दी फोकस करता है बच्चे पे जी, और DSSSB में वही बच्चा सेलेक्ट होगा जो टाइम को मैनेज कर लेगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो जयकिशन जी जो सबसे बड़ा रोल है वो है साइकोलॉजी का, हाँ, क्योंकि 100 क्वेश्चन है इसमें, 100 मार्क्स के नंबर है जी सर। तो ये जरा बताइए हमारे व्यूअर्स को, ये जो 100 नंबर है इसमें वो अपनी लड़ाई कैसे रखें, उनका प्लानिंग क्या करें, उनकी स्ट्रेटजी क्या हो, आखिर वो साइकोलॉजी को वो कैसे पढ़ें। देखो सर, साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या है, डिस्क्रिप्टिव टाइप में पढ़ना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल। फिर जैसे हम अपने अंदर ये महसूस हो जाए कि हमको यार साइकोलॉजी बहुत आने लगे, फिर आपको पेपर हल करने पड़े, पेपर मॉक टेस्ट का, हाँ बिल्कुल, फिर आपको पेपर हल करने पड़ने लगे, आप अलग अलग किताबों के पेपर हल करो, सॉल्यूशन करो उनका, तो अपने आप आपको लगेगा कि यार हम तो कुछ है, कुछ करने लायक है, कॉन्फिडेंस आएगा उससे। और ये मैं तो हर बच्चे को कहना चाहता हूँ कि मतलब पहले डिस्क्रिप्टिव टाइप पढ़ो, फिर उसके बाद पेपरों का सॉल्यूशन करो, पहले आप थ्योरी पढ़ें उसका, एनालिसिस करें, और फिर जो उस पे क्वेश्चंस करें। हां जी, और बहुत मतलब इंपॉर्टेंट अहम रोल है मतलब साइकोलॉजी का, बिल्कुल साइकोलॉजी का वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस कैसे आते हैं साइकोलॉजी की जरा मुझे बताएंगे, एक तो जैसे कि जो स्टेट का होता है साइकोलॉजी का क्वेश्चंस, और जो DSSSB के क्वेश्चंस होता है उसमें क्या फर्क पाया, क्योंकि आपने दोनों एग्जाम दिया है, बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या फर्क पाया। तो देखो इसमें जो अपने स्टेट लेवल का होता है इसमें तो साइकोलॉजी जैसे क्या बोलते हैं अपने मनोवैज्ञानिक तरह से पूछा जाता है जी जी, और उसमें पूछा जाता है बच्चों को कैसे जांचा जाए, प्रैक्टिकल, हाँ कि आप बच्चे को कैसे पढ़ोगे, बच्चे का कुछ नहीं सीख रहा है तो उसको कैसे सिखाने की कोशिश करोगे, अच्छा, आपको कैसा पता लगेगा कि ये बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, ठीक है ना जी। तो ये सीखना होता है उसमें, तो ये कह सकते हैं कि अप्लाइड साइकोलॉजी, हाँ बिल्कुल अप्लाइड साइकोलॉजी, पेडागोजी जो बोलते हैं, पेडागोजी, हाँ, तो उस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसमें।
अच्छा तो ये तो बात साइकोलॉजी की हो गई क्या जैकिसन जी। हाँ। अब जरा इधर जो बात करें, जो हमारे पास जो पांच और सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें हाँ। दो लैंग्वेज है, मैथ्स है, रीजनिंग है हाँ। और जीके है, इन पे कैसे पकड़ बनाए, क्योंकि क्वालिफाई तो हमें यहाँ भी करना है। देखो सर, जैसे मान लें आपकी मैथ नहीं आ रही है जी, जी। तो आप मैथ में प्रैक्टिस करो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उस सब्जेक्ट पे फोकस करो जो अपना सबसे अच्छा है, स्ट्रॉन्ग पोस्ट, उस पे फोकस करो आप, ठीक है जी। और उसके बाद आप क्या करोगे कि आपको जैसे रीजनिंग है तो उसमें ये सोचो कि 20 क्वेश्चन है तो 20 में के हमारे 20 सही होने चाहिए, सही होने चाहिए बिल्कुल भाई। आपका जो वीक पॉइंट है उसको तो करोगे करोगे जी जी जी, उसके साथ ये करोगे जो हमारा सबसे अच्छा पॉइंट है उसमें एक भी नंबर नहीं जाना चाहिए, तो हमारे जो स्ट्रॉन्ग जोन है उसको स्ट्रॉन्गेस्ट बनाना है, ताकि उसमें एक नंबर नहीं कटे हमारा, बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरे यही तो था कि मैंने जब मेरा पेपर हुआ था तो मेरे हिंदी में 20 में 19 नंबर थे, क्या बात, और जो मनोविज्ञान वो क्या बोलते हैं अपने ये रीजनिंग इसमें 18 नंबर आए थे, अच्छा, तो मैं क्वालिफाई तो वही हो गया जी, 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 जी। और साइकोलॉजी में जो आता है वो किया अपना, तो साइकोलॉजी में ज्यादा भाई अपन को क्वालिफाई करना है, मेन पॉइंट ये है कि क्वालिफाई करना जरूरी है, ठीक है ना जी, तो इसलिए हमें क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। तो ये सारी बातें, तो इस तरह से जो है आप दोनों पार्ट को जो है अच्छे से पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं ना। ओके, तो जय किशन जी बहुत अच्छा लगा जो आपने सारी बातें बताई हमारे व्यूअर्स को, और वो बिल्कुल जो है उनके लिए मील का पत्थर साबित होगा तैयारी करने के लिए, वो अपने तैयारी बहुत अच्छा कर पाएंगे, प्रिपरेशन अच्छा कर पाएंगे जी सर। तो एक आखिरी सवाल आपसे जो मैं पूछना चाहूँगा कि जो हमारे व्यूअर्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं DT+ की जी सर, तो लास्टली वो और किन किन बातों का ख्याल रखें जो बिल्कुल उनका सिलेक्शन तय हो बिल्कुल। सर सबसे पहले बात तो है टाइम का जी, उस पेपर में टाइम की बहुत महत्व है, ठीक है, और हमको ये समझना है कि किस क्वेश्चन को करना है किसको छोड़ना है, किस क्वेश्चन को करना है और किसको छोड़ना है, हाँ। छोड़ना उनको जो टाइमिंग का टाइमिंग है, क्योंकि नंबर तो वो आपको उतना ही देगा। दूसरी बात यह है कि DRSSB में ऐसा है कि जो लास्ट में जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत सीधे आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात है, राज खोल दिया आपके सामने। क्योंकि जो लास्ट के साइकोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत सीधे होते हैं, क्योंकि वहां तक बंदे पहुंच नहीं पाते। अच्छा अच्छा अच्छा, टाइमिंग की वजह से नहीं पहुंच पाते और फिर कहते हैं यार हमारा तो इतने 10 क्वेश्चन रह गए, तो इसलिए हमें ये सोचना है कि किस क्वेश्चन को करना है किसको नहीं करना, छोड़ना है बिल्कुल, तो इस बात पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, और ये बिल्कुल मॉक टेस्ट जितना देंगे उतना अच्छा होगा, उतना अच्छा होगा, अच्छा होगा बिल्कुल। और साइकोलॉजी में तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही ज्यादा सीखोगे, उतना अप्लाई होगा मतलब उतना आप सीख पाएंगे, बिल्कुल सर बिल्कुल। तो जय किशन जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं बिल्कुल आशा करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखे होंगे। आप टाइम निकाल के जो दिल्ली से जो है आप इस इंटरव्यू के लिए आए, तो रियली मुझे बहुत अच्छा लगा, और वहाँ कैसा, वहाँ की लाइफ कैसी लगती है आपको? सर वहाँ जो हमारी स्कूल है ना वो एक गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए है, सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो रोज मर्रा की जिंदगी जीने वाले के बच्चे आते हैं, जो रोज कमा के खाते हैं, वो बच्चे आते हैं जो अपने कपड़े भी नहीं पहन सकते अच्छे से, कभी कभी तो ऐसे बच्चे आते हैं जिनको हम अपने हाथों से मुंह धोपाते हैं, तो वहाँ पे क्या हर स्टेट का आदमी रहता है जी, जी, जी। हर स्टेट के आदमी से हमारा सामना होता है, बातचीत होती है उनसे। दूसरी बात क्या है, दिल्ली में ऐसा रूल्स है कि एक बच्चे से आप 5 साल तक मिलोगे, और उसकी जिंदगी में आप 5 साल तक चलोगे, क्या बात, उसके किधर ले जाना है किधर नहीं ले जाना है वो हम पे डिपेंड करता है, मतलब एक पौधा दे दिया गया आपको, हाँ, उस पौधा को कैसे बड़ा करना है, बिल्कुल वो जिम्मेदारी तो हमको दी गई, जब वो अच्छा करते हैं तो कितना आपको गर्व महसूस होता होगा। जैसे एक बच्चे को हम शुरू से हमारे पास आता है और वो बच्चा के का मतलब बोलना सीख जाता है, वो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सकून मिलता है यार, आज तक हमने कुछ सिखाया, कुछ लायक किया है बच्चे को, जब से सिलेक्शन होता है यहां से तो हमें बहुत खुशी होती है कि बिल्कुल सिलेक्शन हो गया। अब मैं बता रहा हूं कि मेरे जो जहां पे स्कूल है वहाँ पे हम गए थे उस टाइम पे 550 के आसपास लड़के थे उस स्कूल में, आज 1052 लड़के हैं, क्या शानदार। और ये कहते हैं कि जो नए सर आए हैं बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, सही, मुझे बहुत खुशी इस बात को जानकर कि आप जो वहाँ परचम लहरा रहे हैं, बहुत बहुत शानदार। मैं कह रहा हूँ कि आने वाले समय में हमारे स्कूल 1500 बच्चे, क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीता तो हर कोई इंसान अपने लिए है ना, लेकिन जब आप दूसरों के लिए जीते हैं तो उसकी बात ही कुछ और होती है, क्योंकि जो संघर्ष हमने किया है वो हमारी युवा पीढ़ी ने कर दिया, क्या बहुत बड़ी बात है। तो हम ये सोचते हैं कि जो संघर्ष हमने किया है जी उनके जीवन में ऐसा देखने को नहीं मिले जी, और अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, हर पीढ़ी जो है बेहतर हो पिछले पीढ़ी से, हाँ। और हमको कोई मिलता है तो हम तो ये कहते हैं भाई हम मोरिया में कोचिंग की थी,
बहुत अच्छा ज्ञान मिला था हमको। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जहन से जो ये बातें आपकी निकली हुई है, मुझे बहुत इस बात की खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद जैकसन जी। तो रियली वंस अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग फ्रॉम दिल्ली एंड गिविंग दिस मार्वेलस इंटरव्यू टू ऑल माई व्यूअर्स। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।